ये मुकाबला राजेश भाटी जो कि हनुमान अखाड़ा के हैं लाल कॉस्ट्यूम में और उनके प्रतिद्वंदी सतपाल सोनीपत अखाड़ा के, दोनों के माध्यम ये मुकाबला नीले सतपाल 11,000 रुपये का ये इनामी पुरस्कार के लिए ये मुकाबला आपके इसके लिए इसके लिए प्रति आपका प्रेम आपकी हाजिरी दर्शाती है आप इस खेल से इतना प्रेम करते हैं थोड़ी शांति बाहर के अभी जो जो ये रंग आपने उनकी जगह पहुंचेगा और शानदार मुकाबला होगा आपका बनेंगे निर्णय दिया निर्देश किया पूरा मुकाबला जारी अजीत और रविंद्र के मध्य ये मुकाबला अजीत राजेश भाटी हनुमान अखाड़ा के लाल कस्टम में सतपाल सोनीपत अखाड़ा के ब्लू कस्टम राजेश भाटी हनुमान अखाड़ा के काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और इस राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का पूरी तरह से लाभ उठाते हुए अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए इस मुकाबले में दोनों ही अपने उसी प्रयास में पुनः प्रयास करते राजेश भाटी सतपाल के लिए अपने प्रतिद्वंद्र को मगर उससे सफलता नहीं मिली यहाँ पैरों से फंसा कर ग्रिप बनाकर मजबूती से गिरना चाहते थे सतपाल मगर राजेश ने अपनी मजबूत पकड़ के ताकत लगाकर रोका न्याय बैलेंस को बनाया रेफरी द्वारा मिशन के करके रोका उसने मुकाबला जारी और यहीं पर पट लगाने की कोशिश राजेश भाटी की पीछे की ओर आना चाहते हैं यदि पीछे आते हैं तो दो अंकों मिलेंगे उनको और यहां पर दो अंकों और अर्जित किए बढ़त बनाने में पूरी तरह से कामयाब राजेश भाटी अपने खिलाड़ी के विरुद्ध सतपाल के विरुद्ध राजीव गांधी चौधरी हुकुम सिंह जी के मुकाबले आगे बढ़ते हुए और बजरंग अमित जिन्होंने ओलंपिक कॉमनवेल्थ बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को निकाला है और एक नई पहचान दी है भारतीय कुश्ती को मुकाबले पिता भी काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं समय के स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर अंकों के आधार पर निर्णय होगा राजेश भाटी